एलिजा वॉशर मशीन। सबसे पहले ये आपका दिखाते हैं कुछ कनेक्शंस के लिए। ये सबसे पहले देखिए, ये आपका पावर केबल, पावर केबल को पीछे से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, बस इसको पुश कर देना पड़ेगा। ये आपका पावर का स्विच है और इसमें 3 बटल्स रहता है। ये आपका डिस्टिल वाटर का बटल है, ये आपका वॉशिंग लिक्विड जिसके थ्रू आप वॉश करेंगे वो लिक्विड होता है, और ये आपका वेस्टेज, ठीक है। इसमें 2 कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, देखिए ये मार्किंग किया हुआ है, इसको बस यहाँ पे लगाना है। ये देखिए वेस्ट बोल के लिखा भी है, वेस्ट सेंसर को इसमें कनेक्टिंग करना है पाइप को, और इसके बाद ये आपका वॉशिंग लिक्विड का एक पाइप गया है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और इसके बाद एक डिस्टिल वाटर का पाइप है उसको यहाँ पे लगाना है। हर चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा किसमें लगेगा। ये देखिए डिस्टिल वाटर लगा हुआ है, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, बस उसका उसी के हिसाब से कनेक्टिंग कर देना है। और हर एक का एक सेंसर होता है, ये देखिए सारा तीनों का एक सेंसर दिया हुआ है, तीनों सेंसर दिया हुआ है, सेंसर को यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से सेट कर देना पड़ेगा। ये आपका डिस्टिल वाटर वाला सेटअप, ये आपका आपका वॉशिंग टैंक का सेंसर, और ये आपका वेस्टेज लिक्विड का सेंसर। तो मैंने अभी ये डिस्प्ले देख लीजिए, ये मशीन का डिस्प्ले है, और मशीन का एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपका प्लेट को रख के आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये मेरा एलिजा रीडर प्लेट है, प्लेट को हम लोगों ने क्या करेंगे ऐसे करके रख देंगे और इसको वॉश करेंगे, ठीक है। ये अभी मैंने चैनल लगाया आपका 8, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपका रो है और 12 आपका चैनल है, ठीक है, मतलब 12 आपका कॉलम है, ठीक है। उसके हिसाब से ये अडाप्टर मैंने लगाया। अभी किसी को दूसरा तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए तब चेंज होता है, मतलब 12 आपका रो हो जाता है और 8 कॉलम हो जाता है, लेकिन उसके लिए तब क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला अडाप्टर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए कनेक्शन बेस इसको खोल के इसमें लगा देना है, ये 2 पॉइंट पर लगा देना है और इसको ऐसे करके डाल देना है, और ऐसे भी आपको प्लेट को यूज करना है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं प्लेट को बैठाते हैं इस तरीके से, मतलब 8 रो और 12 कॉलम के हिसाब से मैं बैठाता हूँ इसको, ठीक है। अभी कंपार्टमेंट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पीछे से मशीन को ऑन किया, ऑन करते ही सबसे पहले लिखा आएगा वेलकम और एब्जॉर्बिंग बोल के लिखा आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, वो चैनल को क्लियर करेगा, ये ट्यूबिंग को देखिए, पहले वो सेकिंग करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और सोक करेगा, एक बार वो क्रॉस चेक करेगा, मतलब ट्यूब में लिक्विड आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, वो चेकिंग होगा सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मेनू, मेनू पे यहाँ पे आपको शो करना है, देखिए वॉश स्टेप फिल रेंज सेटिंग एंड ऑफ। जैसे मशीन बंद करते हैं उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज करना पड़ेगा, इधर उधर मूव करने के लिए यहाँ पे कुछ बटन स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे अप एंड डाउन, ठीक है, इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, और प्लस माइनस से कोई भी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वॉश में जाना पड़ेगा। वॉश में जाके देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस है, जैसे कोई भी कौन सा प्रोसेस में आप करना चाहते हैं, 2 नंबर पर, इसका मतलब है 8 रो है और 12 कॉलम है, इसको आप चेंज करेंगे तो इधर से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी 2 नंबर पर रख रहा हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टैब में जाके रो वाला देना है, कौन सा शेप में, कोई भी शेप को आपको चेंज करना है तो इधर में जाके आप शेप को प्लस माइनस करके यू शेप, वी शेप एंड एप शेप में आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से हम स्किप कर रहे हैं अभी, यहाँ पे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा कौन सा कितना वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो रेंज रहता है 50 माइक्रोलीटर से लेकर 250 माइक्रोलीटर तक रहता है, उसके बीच में जो भी आपका चाहिए वो ये प्लस एंड माइनस से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कितना टाइम आपको चलाना है, उसके लिए जाना पड़ेगा टाइम, मान लीजिए आपको 2 बार क्लीन करना है तो उसके लिए 2 बार कर सकते हैं, 1 बार करना है तो 1 बार कर सकते हैं, ये टाइम को आप मैक्सिमम 10 टाइम्स तक कर सकते हैं, इसमें जो रेंज है 1 से लेकर 10 टाइम्स तक इसमें रेंज है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद बाकी और कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, इधर से रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कोई भी मतलब जो मेन चीज़ होता है सुई का सेटिंग होता है, मतलब यहाँ पे जो नीडल देख रहे हैं ना सर, उन नीडल को आपको सेटिंग करना पड़ेगा, इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेटिंग में एक बार जाके क्रॉस चेक करना पड़ेगा मेरा सुई सही तरीके से सेटअप किया हुआ है कि नहीं, उसके लिए बस सेटिंग में जाके एंटर करना पड़ेगा, उसमें जाके एंटर करना पड़ेगा, ये देखिए यू सेटअप, उसको
क्रॉस चेक करना है तो ये कोई भी जगह पे चाहिए, और उसके बाद इसको देख लीजिए, इसको पूरा एकदम ब्रीच में होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए सुई, ठीक है। वो सारा यहाँ से ही एडजस्ट होता है, उसको मेनली आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा सैंपल को बाहर फेंक देगा वो, ठीक है। ये मेरा अभी ऑलरेडी मैंने सेटिंग करके रखा हूँ, कोई भी आपको चेंजेस करना है तो आप इधर से चेंज करके उधर से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेन जो चेंजेस होता है वो ये बटन होता है, बटन और टॉप होता है और लेफ्ट एंड राइट होता है, वो पोजीशन आपको वहाँ से देख के यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन सेटिंग होता है मशीन का। अभी तो मैंने पूरा सेटअप करके रखा हूँ, अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस करना है तो वहाँ पे जाके आपको सेटिंग में जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं सीधा जाके वॉश कर रहा हूँ, वॉश में जैसे ही प्रेस किया ये आपको प्रोग्रामिंग जो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हूँ उसको आपको शो करेगा, बस स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रेस स्टार्ट टू वॉश करना है। जैसे स्टार्ट कर देंगे ये देखिए अभी मेरा चालू हो गया प्रोसेस, एंड यहाँ पे वो सैंपल फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। सर देखिए ये टोटल एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा सा और 2 सेकंड वेट कर रही है, कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पे प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाला प्रोसेस चल रहा है, इसको कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट बोल के आ जाएगा।
ये देखिए पूरा एक बीप करेगा, बीप करने के बाद आपका टोटल ये देखिए कंप्लीट हो गया। अभी आप यहाँ से प्लेट लेके आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए पूरा एकदम क्लीन हो गया इसमें, ठीक है। इसको ऐसे लगा देते हैं। अभी और एक चीज़ होता है इसमें रिंच बोल के एक ऑप्शन होता है, मान लीजिए आपको एक बार पूरा चैनल को क्लियर करने के लिए ये रिंच वाला ऑप्शन को हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें रिंच में जाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा कितना सेकंड्स तक आपने रिंच करना है, ये मैक्सिमम 99 सेकंड्स तक आप चला सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा का जरूरत नहीं है, नॉर्मली 10 सेकंड्स करके इसको स्टार्ट कर देने से ऑटोमेटिक रिंच हो जाएगा। यहाँ पर आपका सैंपल मतलब ऑटोमेटिक एक बार रिंच होगा, मतलब सैंपल ऑब्जर्व करेगा, फिर से एक बार वो डालेगा, इंजेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा और मशीन को स्विच अप करना है, तो इधर में ऑफ पोजीशन है, उसके लिए ये अप डाउन से जाके ऑफ करके इसको एंटर कर देने से मशीन स्विच अप हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्बिंग शो करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, बस कंप्लीट।